मौसम में बदलाव के साथ वायरल खांसी जुकाम ने लोगों को चपेट में ले लिया है। 3 दिन में ठीक होने वाली खांसी में 15 दिन में आराम नहीं आ रहा, इसे डॉक्टर्स भी उलझन में पड़ गए हैं। कोविड के बाद सर्दी खांसी जुकाम का ट्रेंड बदल गया है। पहले जहां खांसी 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती थी, लेकिन अब 10 से 15 दिन लगते हैं। पहले बुखार, फिर गले में खराश और अब सूखी खांसी का शिकार हो गया है। पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस और माइल्ड निमोनिया की वजह से खांसी लंबे समय तक देखने को मिल रही है। जांच कराने पर इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू जैसे बहुत कम केसेस में वायरल पकड़ में नहीं आ रहा। अधिकतर मरीजों में वायरस पकड़ से दूर है। और खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनिल सेन। अनिल, राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून के खिलाफ जो है निजी और सरकारी डॉक्टर्स जो है वो विरोध कर रहे हैं, जिससे जो है कि प्रदेश में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो चरमरा कर रह गई है। तो कहां तक ये जो अभियान है, जो ये आंदोलन किया जा रहा है, वो देखा जा रहा है, जिसका मरीजों पर खासा असर दिखाई दे रहा है? अगर देखा जाए राजस्थान प्रदेश में तो पेशेंट पर ज्यादा असर है। पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार अस्पतालों की व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा गई है। एक तरफ मौसमी बीमारियां, दूसरी तरफ पेशेंट जो अस्पताल पहुंच रहे हैं उनका एक आंकड़ा, और इस बीच डॉक्टर्स की हड़ताल। निजी अस्पतालों ने भी चिरंजीवी और आजी आरजीएसएस जो योजना उसके तहत अपना इलाज करना बंद कर दिया है। तो ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक कही जा सकती है। आम संगठन, आमजन लोग, सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट कर हुए और आह्वान किया कि आखिरकार क्या वजह है कि ये जो आंदोलन है डॉक्टर्स का वो यहाँ पर किया जा रहा है। सवाल खड़े किए गए आंदोलन पर और साथ साथ मांग रखी गई है तमाम सदन के विधायकों से कि ये जो स्वास्थ्य का अधिकार बिल है इसको यहाँ पर पारित किया जाए, क्योंकि आज प्रदेश के हर नागरिक की जरूरत जन स्वास्थ्य अधिकार जो कानून है उसकी यहाँ पर है। कई स्वास्थ्य संगठनों ने कोरोना का हवाला दिया, कोरोना से पहले का हवाला दिया, यहाँ तक बताया कि कुछ जो लोग हैं, निम्न तबके के जो लोग हैं, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, या फिर जिनके पास में आर्थिक संबल नहीं है, वो लोग भी इलाज के लिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं होते। लेकिन अगर स्वास्थ्य का अधिकार बिल आएगा तो अमीर हो, गरीब हो, तमाम जो लोग हैं वो एक ही कहीं ना कहीं दूरी से नापे जाएंगे और सभी को एक समानता का अधिकार यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जन स्वास्थ्य संगठन जो है वो अलग अलग अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और ये भी आह्वान किया गया कि डॉक्टर्स हड़ताल कर सकते हैं तो आम जन भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। फिलहाल जनता जो है वो देख रही है और इस और नजर बनाए हुए है कि आखिरकार आगे क्या कुछ स्टेप यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आज प्रवर समिति की बैठक भी होनी थी लेकिन प्रवर समिति की बैठक फिलहाल टल गई है। तो ऐसे में 3 दिन से व्यवस्थाएं चरमाई हुई है। अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ की जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा है। SMS अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल को ले लें, सरकारी अस्पतालों में दूसरी जगहों को अगर तस्वीरों को देखा जाए, जिला स्तर पर तस्वीरों को देखा जाए तो बड़ी भीड़ एक तरह से अस्पतालों में उमड़ती भी देखी जा सकती है। तो ये नजारा अपने आप में दिल दहलाने वाला कहा जा सकता है और अभी भी डॉक्टर्स अड़े हुए। तो ऐसे में कहाँ पर जाकर सुलह होगी, किस बिंदु पर सुलह होगी, डॉक्टर्स कहाँ मानेंगे, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर जो हम कह सकते हैं कि यहाँ के मौसमी बीमारियों पर पड़ रहा है। आजकल मौसमी बीमारियों का दौर जारी है, जिसके कारण वायरल और अस्थमा के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं और मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। और ऐसे में स्वास्थ्य बिल का विरोध करना और डॉक्टर्स का हड़ताल पर बैठ जाना, तो किस तरह का मौसम में, पहला सवाल आपसे है कि राजस्थान में मौसमी बीमारियों का दौर किस तरह से है, और दूसरा कि जो सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है उसका खामियाजा मरीजों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? सरकार की मंशा है कि प्रदेश के आम नागरिक को अधिकार मिले, जैसे शिक्षा का अधिकार है, तमाम व्यक्तियों को पढ़ने का अधिकार है, वैसे ही एक स्वास्थ्य का अधिकार का बिल यहाँ पर लाया जा रहा है। हालांकि हम देखेंगे चिरंजीवी योजना हो गई, निःशुल्क दवा योजना हो गई, सरकार ने काफी प्रयास भी किए हैं और खासतौर से अगर अशोक गहलोत सरकार की बात की जाए तो काफी प्रयास रहे हैं कि आम जन को एक ट्रीटमेंट कैसे मिल सके, सुलभ ट्रीटमेंट हो, सस्ता भी हो और निःशुल्क अगर दिया जा सके तो उसकी पहल भी कैसे की जा सकती है, ये कहीं ना कहीं सरकार का प्रायोरिटी में रहा है। लेकिन अब जन स्वास्थ्य अधिकार बिल एक बेहतरीन कदम कहा जा सकता है। सामाजिक संगठनों ने मंथन के बाद में इसको बनाया,
इसको पिछले सत्र में हमने देखा था कि सदन में रखा गया था, लेकिन कई ऑब्जेक्शन के बाद में उसको प्रवर समिति को भेजा गया। लेकिन इस बीच अब डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि मौसम का बदलाव भी है और मौसमी बीमारियां भी कहीं ना कहीं कहर बरपा रही है, तो आम जनजीवन डिमांड करता है कि डॉक्टर्स उनकी जो समस्या है उनको दुरुस्त यहां पर करें। लेकिन इस समय जो स्थितियां यहां पर बनी हुई है, अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर है। आंकड़ा जो मरीजों का है, आउटडोर का है, पेशेंट का है, वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हर तरफ अस्पतालों में भागदौड़ की तस्वीर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि मौसमी बीमारी से लोग पीड़ित जरूर हैं, लेकिन बड़े पेशेंट जो हैं, जो बड़ी सर्जरियां जो हैं, वो भी इस बीच रुकी हुई है। तो ऐसे में ये टेंशन का विषय है, इस पर सरकार को भी सुलह करने के लिए कदम उठाने होंगे। सरकार अपने स्तर पर प्रयास भी कर रही है, डॉक्टर्स को भी देखना होगा कि आखिरकार अगर उनके स्वास्थ्य अधिकार बिल में कोई उनको लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है या फिर उनकी कुछ मांग है, तो मिल बैठकर सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से अपनी बात वहां पर रखी जा सकती है। यही बात जन स्वास्थ्य संगठनों ने भी रखी है। कल हमने देखा था कि कुछ सामाजिक संगठनों ने प्रेस वार्ता करी और कहा कि बिल में संभव है कि कुछ बातें ऐसी हो कि जो डॉक्टर्स को लगता हो कि उनके पक्ष की नहीं है, तो इन तमाम जो पहलू है उनको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स को आह्वान किया गया था आम लोगों की ओर से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से, कि वो अपना काम नहीं छोड़ें, अस्पतालों के अंदर डटे रहें, अस्पतालों में जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त रखें, जो पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज वहां पर करें, ताकि वो अपना धर्म वहां पर निभा सके। क्या कुछ अभी रिएक्शन सामने आया है इस विरोध को लेकर, क्योंकि वो मरीजों को भी देख रहे हैं, मरीजों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आया और कितनी संभावना है कि ये बिल का विरोध कब तक चलने वाला है और कब तक मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, राज्यपाल से समय मांगा गया है, डॉक्टर्स ने तो फिलहाल कह दिया कि शायद सरकार हठधर्मिता पर है और सरकार उन पर ये बिल थोपना चाहती है। डॉक्टर्स और सरकार के बीच में शायद सुलह यहाँ पर नहीं दिख रही है और इस बीच राज्यपाल का रुख किया जाएगा। समय मांगा गया, अभी तक समय नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी राज्यपाल के स्तर पर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। राज्यपाल पर स्तर पर जब डॉक्टर्स पहुंचेंगे तो क्या बात वहां पर रखते हैं, किस बात पर सुलह वहां पर हो सकती है, क्योंकि हर वर्ग, सामाजिक संगठन हो, सरकार के स्तर पर जनप्रतिनिधि हो, या डॉक्टर्स में बीच में भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि सुलह तो हो और जो जिंदगी हो पटरी पर लौटे, कामकाज जो वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल सके। तीन दिन से हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं काफी अव्यवस्थित हो गई हैं, डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं कर रहे हैं और जो चिरंजीवी और आरजीएचएस के तहत जो इलाज वहाँ पर होने थे वो भी अधिकतर जगहों पर इलाज बंद वहाँ पर किया हुआ है। तो फिलहाल सुलह की पटरी के आसार नजर जरूर आते हैं, लेकिन किन बिंदुओं पर होगा, सरकार के स्तर पर प्रयास होंगे या फिर राज्यपाल के स्तर पर जाने के बाद में वहां से कुछ सुलह की पटरी बैठ सकती है, अभी बहुत दूर की कोड़ी वहां पर नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार को भी टेंशन है कि जनता किस तरह से परेशान है, उसको कैसे ट्रीटमेंट मिल सके। सरकार के स्तर पर जनप्रतिनिधियों को भी आगाह किया गया है कि डॉक्टर्स को समझाइश वहां पर की जाए और अगर डॉक्टर्स की प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के यहां पर पहुंचते हैं तो संभव है कि वहां के बाद में, राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद में, कुछ सुलह की पटरी वहां पर बैठ सकती है, कुछ समझाइश वहां पर हो सकती है और हो सकता है कि एक बार फिर से जो जनजीवन है वो पटरी पर लौट जाए, डॉक्टर्स तमाम जो लोग हैं वो अपने कामकाज पर लौट जाए और पेशेंट का इलाज करने लगे। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने